सो गाइस जब जब मेगा ऑक्शन आता है तब तब सभी टीमों के पास काफी अच्छा मौका होता है कि वो अपनी कमजोरी को दूर करे, अपने स्क्वाड को मजबूत बनाए। तो चलिए बात करते हैं 2025 मेगा ऑक्शन में आरसीबी की टीम किन खिलाड़ियों को टारगेट कर सकती है, कौन से वो दोस्तों खिलाड़ी होने वाले हैं जो कि हमें 2025 में आरसीबी की जर्सी में दिखाई दे सकते हैं। यहां पर दोस्तों हमने कैटेगरी डिवाइड किया है और ये जानने का प्रयास करेंगे कि भैया आरसीबी को ना कहां पर किस खिलाड़ी की जरूरत है, क्योंकि मेगा ऑक्शन में तो काफी सारे खिलाड़ी होंगे लेकिन आरसीबी टीम उन सभी को तो बाय नहीं करेगी, गिने चुने खिलाड़ियों को टारगेट करेगी और उनको अपने स्क्वाड में लाएगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि आपसे आरसीबी और आईपीएल 2025 की कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो गाइस शुरुआत करते हैं आरसीबी के विकेट कीपर कैटेगरी से, क्योंकि आरसीबी को सबसे ज्यादा टेंशन ना यही पर होने वाली है क्योंकि भैया दिनेश कार्तिक ने रिटायरमेंट ले ली है, अनुज रावत उनके स्क्वाड में है लेकिन आरसीबी टीम अनुज रावत को तो रिटेन नहीं करेगी, उनको वो रिलीज कर देगी। ऐसे में आरसीबी की सबसे बड़ी टेंशन रहने वाली है मेगा ऑक्शन में अच्छे विकेट कीपर की तलाश करने की। तो वहां पर दोस्तों आरसीबी के पास ना दो काफी अच्छे विकल्प नजर आते हैं जहां पर आरसीबी टीम केएस भरत और अनुज रावत को भैया टारगेट करेगी। जी हां दोस्तों अनुज रावत तो रिटेन नहीं होंगे, उनको रिलीज किया जाएगा लेकिन मेगा ऑक्शन में जाकर आरसीबी टीम अनुज रावत को दोबारा से बाय करने का प्रयास करेगी क्योंकि मेगा ऑक्शन के कारण ना सभी टीमें अपने बड़े बड़े खिलाड़ियों को तो रिटेन कर लेगी। वहां पर भैया के आर राहुल है, ईशान किशन है, ऋषभ पंत है, तो ये खिलाड़ी हमें ऑक्शन का हिस्सा होते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो आरसीबी के पास ना केवल यही वो खिलाड़ी रहेंगे जिनको आरसीबी बाय करेगी, जिसमें केएस भरत का सबसे बड़ा नाम रहने वाला है। अनुज रावत दोस्तों अभी हाल ही में काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, दिल्ली क्रिकेट लीग में तबाही मचा के रखे हैं। तो भैया आरसीबी चाहेगी कि वो ज्यादा इधर उधर ना देखे और अपने पुराने खिलाड़ियों को बाय करे। केएस भरत पहले भी आरसीबी से खेल चुके हैं, उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही थी। तो आरसीबी टीम अपने विकेट कीपर्स में केएस भरत और अनुज रावत को टारगेट करेगी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों आरसीबी के ना फिनिशर्स की, यानी कि भैया मिडिल ऑर्डर। तो आप बोलोगे टॉप ऑर्डर कहाँ गया, तो टॉप ऑर्डर में आरसीबी के पास विराट कोहली, रजत पाटीदार और विल जैक्स हैं जो कि रिटेन हो जाएंगे। तो आरसीबी को यहाँ पे मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार दोस्तों अगर इंडियन में देखे ना तो आरसीबी की टीम आशुतोष शर्मा को टारगेट करेगी जो कि भैया काफी अच्छे विकल्प हो सकते हैं क्योंकि पंजाब किंग्स के पास ना काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। वहां पे आशुतोष शर्मा तो रिटेन नहीं होंगे, वहां पर कगिसो रवाडा है, राहुल चहर है, लियम लिविंगस्टन है, जॉनी बेरस्टो है, प्रभसिमरन सिंह है, जितेश शर्मा है। तो भैया यहाँ पे आशुतोष शर्मा कहाँ जाएंगे, आशुतोष शर्मा जाएंगे दोस्तों आरसीबी की टीम में जो कि आरसीबी के लिए ना काफी अच्छे और काफी बेहतरीन साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों आरसीबी टीम अगर आशुतोष शर्मा को टीम में लाती है तो भैया आरसीबी का मिडिल ऑर्डर काफी हद तक स्ट्रांग हो जाएगा। यहीं पे आरसीबी के पास दोस्तों एक विकल्प और है, आरसीबी टीम स्वप्निल सिंह को भी दोबारा से बाय कर सकती है। कल की वीडियो में हमने बात की थी कि अगर आरसीबी की टीम को रिटेन करना है, वो भी अगर इंडियन खिलाड़ी आरटीएम कार्ड की जरिए किसी खिलाड़ी को अपनी टीम में लाना है तो आरसीबी भैया स्वप्निल सिंह के साथ जाएगी। इस प्रकार दोस्तों आरसीबी टीम स्वप्निल सिंह और आशुतोष शर्मा को ना मिडिल ऑर्डर के लिए यहाँ पे पिक करेगी। अब बात करते हैं दोस्तों आरसीबी टीम यहाँ पे भैया ओवरसीज खिलाड़ियों में किन किन खिलाड़ियों को टारगेट करेगी मिडिल ऑर्डर के लिए। तो वहां पे आरसीबी के पास ना बेन स्टोक्स और कैमरॉन ग्रीन का काफी बेहतरीन ऑप्शन होने वाला है। यहाँ पर देखा गया ना तो मेगा ऑक्शन में आरसीबी का एक फोकस कप्तानी के ऊपर भी रहेगा। ऐसे में दोस्तों आरसीबी टीम बेन स्टोक्स को एज अ कैप्टन भैया टीम में ला सकती है, जिसके ऊपर हमने पहले भी बात कर रखी है अपनी पिछली वीडियोस में। और बेन स्टोक्स के आने से आरसीबी का मिडिल ऑर्डर काफी तक स्ट्रांग हो जाएगा। वहीं पे आरसीबी के पास कैमरॉन ग्रीन का भी विकल्प रहने वाला है। अगर आरसीबी टीम ग्लेन मैक्सवेल को रिटेन करती है तो भैया ग्रीन रिलीज होंगे और मेगा ऑक्शन में दोबारा से आरसीबी के रडार में रहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों आरसीबी टीम भैया पेसर्स में किन खिलाड़ी को टारगेट करेगी, क्योंकि आरसीबी की ना सबसे बड़ी चिंता यही पर रहती है कि वो अपने पेस अटैक को कैसे मजबूत करे। ओवरसीज की बात करें तो यहाँ पे जॉस हेजलवुड और जोशुआ लिटिल का आरसीबी के पास ना काफी बेहतरीन ऑप्शन होने वाला है। जॉस हेजलवुड जो कि आरसीबी का हिस्सा रह चुके हैं, इस साल भी उन्होंने अपना नाम दिया था, किसी ने पिक नहीं किया था, 2025 मेगा ऑक्शन का हिस्सा रहेंगे, आरसीबी की निगाहें जॉस हेजलवुड के ऊपर रहेगी। वही दोस्तों दूसरा ऑप्शन होने वाला है जोशुआ लिटिल का, लेफ्ट आर्म पेसर भैया आरसीबी के लिए ना काफी सही हो सकते हैं। इस प्रकार आरसीबी टीम इन दोनों में से किसी एक को पिक कर सकती है। उसके बाद अगर इंडियन की बात करें तो वहां पे दोस्तों आकाश मधवाल और हर्षित राणा का आरसीबी को ना काफी बेहतरीन ऑप्शन मिलेगा। जी दोस्तों दोनों ही खिलाड़ी हमें मेगा ऑप्शन का हिस्सा होते हुए दिखाई देंगे क्योंकि मुंबई इंडियंस के पास भी काफी सारे विकल्प मौजूद हैं, चाहे हार्दिक पांड्या हो, रोहित शर्मा हो, ईशान किशन हो, सूर्य कुमार यादव हो, तिलक वर्मा हो, तो आकाश मधवाल तो रिलीज हो जाएंगे। तो आरसीबी की टीम आरसीबी के पास मौका रहेगा कि वो अपने पेस अटैक को मजबूत बनाने के लिए इस यंग तेज गेंदबाज को अपने टीम में टारगेट करे। सेम वही किस्सा दोस्तों हर्षित राणा के साथ रहेगा। तो आरसीबी टीम इन दोनों में से किसी एक को पिक कर सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों आरसीबी टीम ना स्पिनर्स में किन किन खिलाड़ियों को टारगेट करेगी। तो वैसे तो स्पिनर्स में ना उतने बड़े नाम देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अगर भैया युजवेंद्र चहल ऑक्शन का हिस्सा होते हैं तो आरसीबी टीम डेफिनेटली चहल के साथ जाएगी। जो गलती उन्होंने 2022 के मेगा ऑक्शन में की थी वो गलती को दोहराना नहीं चाहेंगे और युजवेंद्र चहल को अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाएंगे।
वहीं पर सूर्या शर्मा का भी विकल्प रहेगा कि भैया अगर केकेआर की टीम सूर्या शर्मा को रिलीज कर देती है तो आरसीबी बोलेगी कि आइए, लेकिन अगर ये दोनों ही खिलाड़ी आरसीबी को नहीं मिलते हैं तब आरसीबी क्या करेगी? तब दोस्तों आरसीबी टीम भैया अपने स्क्वाड के ही खिलाड़ी कर्ण शर्मा के साथ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आरसीबी के पास तो स्वप्निल सिंह है, तो कर्ण शर्मा यानी कि आरसीबी की टीम का फोकस रहेगा कि भैया पहले वो उन खिलाड़ियों को टारगेट करें जो कि युजवेंद्र चहल और सूर्य शर्मा के रूप में मिल जाए, लेकिन अगर वो नहीं मिल पाते हैं तब प्लान बी रहेगा और वो रहेगा दोस्तों कर्ण शर्मा। तो इस प्रकार आरसीबी टीम ना इन खिलाड़ियों को टारगेट करेगी मेगा ऑक्शन में। अब बात करते हैं कि इन खिलाड़ियों के टारगेट हो जाने के बाद यानी कि इन खिलाड़ियों की टीम में आ जाने के बाद टीम का प्लेइंग 11 कैसा बनेगा। तो आईपीएल 2025 में हमें आरसीबी का प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें भैया विराट कोहली और विल जैक्स ओपन करेंगे, रजत पाटीदार नंबर 3 पे, नंबर 4 पे ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 5 पे केएस भरत या फिर अनुज रावत, दोनों में से कोई एक एज अ विकेट कीपर, उसके बाद ग्रीन या फिर स्टोक्स, फिर दोस्तों स्वप्निल सिंह, आशुतोष शर्मा में से कोई एक, कर्ण शर्मा एज अ स्पिनर, मोहम्मद सिराज, जॉस हेजलवुड और जोशुआ लिटिल में से कोई भी एक, जॉस हेजलवुड ज्यादा अच्छा विकल्प रहेंगे, और दोस्तों उसके बाद आकाश माथवाल और हर्षित राणा दोनों में से कोई एक। तो इस प्रकार दोस्तों आरसीबी टीम 2025 मेगा ऑक्शन के बाद काफी अच्छी टीम बना सकती है अगर वो इन खिलाड़ियों को पिक करे तो। इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि आपसे आरसीबी और आईपीएल 2025 की कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में।